सर, ये नोज जॉब के लिए बोटॉक्स क्या काम करता है? बोटॉक्स एक बोटुलिनम टॉक्सिन का ब्रांड नेम है जो एलर्गन कंपनी बनाती है, और वो आपके मसल्स को रिलैक्स कर सकता है। तो जब हम राइनोप्लास्टी करते हैं तो वो एक सर्जरी होता है, लेकिन अगर आप बिना सर्जरी के आपके नाक में कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं तब बोटॉक्स का प्रयोग होता है। ज्यादातर ये प्री राइनोप्लास्टी, पोस्ट राइनोप्लास्टी या बाकी नॉन सर्जिकल मेथड के साथ भी यूज किया जा सकता है। तो बोटॉक्स में जब हम किसी मसल्स का रिलैक्सेशन करना चाहते हैं तब बोटॉक्स का प्रयोग हम करते हैं। नोज़ जॉब में बोटॉक्स का कौन सी जगह के लिए आप मॉडिफाई करते हैं? जैसे कि आप देखते हैं कि काफी सारे लोग जब स्माइल करते हैं तो उनका नाक ऐसे दोनों तरफ खींचता है, या फिर जब भी लोग स्माइल करते हैं तो उनका ये नाक अंदर की ओर ऐसे मुड़ जाता है, और जो बहुत ज्यादा स्माइल पे उनके यहाँ पे बहुत सारी लाइंस पड़ती है। इसके अलावा यहाँ पे ट्रांसवर्स लाइन पड़ती है, ये फ्रोन लाइन पड़ती है, तो नाक का शेप इसमें खराब दिखता है, या फिर अपनी स्माइल वो फोटो पे अच्छी नहीं दे पाते हैं और अपनी स्माइल के लिए बहुत ही कॉन्शियस हो जाते हैं। तो वैसे लोगों के लिए फ्रीली वो स्माइल कर सके उसके लिए हम नोज जॉब में बोटॉक्स का प्रयोग करते हैं। तो जैसे मैंने बताया वो तीन चार इंडिकेशन, जैसे कि फ्रॉन लाइन, नाक की ट्रांसवर्स लाइन, बनी लाइंस, वाइडनिंग ऑफ द नोज और डिप्रेसिंग ऑफ द टी, ये पांच छह इंडिकेशन के लिए बोटॉक्स का प्रयोग किया जाता है। नोज जॉब में बोटॉक्स जैसे करते हैं तो उसके लिए क्या क्या हम प्रिकॉशंस ले सकते हैं, और आप कुछ डिटेल में बताना चाहेंगे उसमें? बोटॉक्स जो है वो इंजेक्टेबल है, एक बहुत ही 31 गेज की नीडल से दिया जाता है। ये प्रोसीजर पेनफुल नहीं होता है, हल्का सा आपको स्टिंकिंग टाइप का सेंसेशन हो सकता है जब इंजेक्शन देते हैं, अदरवाइज ये प्रोसीजर बिल्कुल भी पेनलेस है। काफी सारे लोग आराम से ये करा लेते हैं, इसमें कोई ज्यादा डरने वाली बात नहीं है। दूसरा, इसके लिए कोई ज्यादा प्री ऑपरेटिव केयर की भी जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी हम आपको एडवाइस करते हैं कि आप अगर कोई विटामिन ई या बहुत सारे मल्टी विटामिन्स ले रहे हैं, या फिर ग्रीन टी पी रहे हैं, या ब्लड थिनिंग कोई मेडिसिन ले रहे हैं, तो उसको मिनिमम 7 दिन के लिए बंद कर दीजिए, क्योंकि उसकी वजह से ब्लीडिंग होने की संभावना रहती है। इसमें ऐसा ब्लीडिंग नहीं होता है कि कोई डर लगे, लेकिन जहां पे इंजेक्शन दिया वहां पे अगर ब्लीडिंग होती है तो वहां पे एक डॉट सा बन जाता है जिसको ब्रूजिंग बोलते हैं। तो आपने ये प्रोसीजर कराया है ऐसा सामने वाले को पता चल जाता है, बस उसी वजह से हम लोग ये बंद कराते हैं। अदरवाइज इसमें ऐसी कोई बड़ी ब्लीडिंग नहीं होती है, बहुत ही सेफ प्रोसीजर है, इसके कोई मेजर कॉम्प्लिकेशंस भी नहीं होते हैं, और ये टोटली रिवर्सिबल है। उस टाइम के साथ में बोटॉक्स जब चला जाता है तो ये टोटली रिवर्सिबल है, तो इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है, बहुत ही सेफ प्रोसीजर। 15 मिनट का प्रोसीजर विदाउट एनेस्थेसिया आप करवा सकते हैं, कोई एडमिशन की जरूरत नहीं पड़ती है, और आपकी स्माइल कैसे इंप्रूव हो गई या आपकी रिंकल्स कहाँ चली गई वो लोग ढूंढते रह जाते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा प्रोसीजर है। बोटॉक्स नोज जॉब के लिए अगर कोई पेशेंट आपका कांटेक्ट करना चाहे तो वो कैसे कर सकता है? एलिगेंस क्लिनिक में हम बोटॉक्स फुल फेस के लिए, बाकी सारे इंडिकेशंस के लिए भी करते रहते हैं, लेकिन नोज के लिए भी हम लोग इनका प्रयोग करते हैं, और आपकी फ्रॉन लाइंस, प्रोसेरस मसल्स, बनी लाइंस और बाकी सब जो इंडिकेशंस मैंने बताए उसके लिए हम सक्सेसफुली ये बोटॉक्स का प्रयोग करते आ रहे हैं। तो अगर आपको बोटॉक्स के द्वारा अपने नाक के शेप में कुछ चेंज करवाने हैं तो आप हमें हमारे कॉन्टेक्ट डिटेल्स ये वीडियो के एंड में दिए गए हैं, उसके ऊपर सुबह 8 से लेकर शाम के 8 के बीच में कांटेक्ट कर सकते हैं। और आपने आपका समय देके ये वीडियो देखा, इसके लिए आपका धन्यवाद।